राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जेईई भर्ती का विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आने वाले समय में निकाल सकता है, लेकिन उसी को लेकर आज सैकड़ों अभ्यर्थी जेईई भर्ती से जुड़े हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज से मिले हैं और इन तमाम युवाओं को मेजर आलोक राज की तरफ से क्या आश्वासन मिला उसी को लेकर चर्चा करेंगे। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई, जेईई भर्ती को लेकर कौन से आश्वासन मिले? देखो, ऐसा है, जो बच्चों की जो समस्या थी कि जो ये भर्ती है कंबाइंड ही होनी चाहिए, तो हमने सब बच्चों ने मिलकर चेयरमैन साहब का ध्यान आकर्षित किया है और उन्हें इस बात को हमने डिटेल में समझाया है कि इस भर्ती को आप एक साथ कराओ, क्योंकि वो अगर 281 पदों की भर्ती को जैसे अलग कराते थे तो बच्चों को बड़ा नुकसान था। और जो डिग्री सिविल की जो भर्ती है वो कंबाइंड ही होगी, अब वो कह रहे हैं कि उसमें एक दो महीने का समय हम जरूर ले सकते हैं, मई में कराने का वो कह रहे हैं और आज नोटिफिकेशन वो जारी करने का बोल रहे थे, तो एक दो दिन में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, फॉर्म शुरू कराएंगे। और जो बच्चों की समस्या थी कि भर्ती एक साथ हो, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये भर्ती है एक साथ होगी और एक साथ भर्ती करा के छात्रों के साथ में न्याय करने का प्रयास करेंगे। तो छात्रों की ये समस्या को लेकर आज पूरे राजस्थान से बच्चे आए थे मिलने को लेकर, और चेयरमैन साहब ने सभी छात्रों से बात करी है बाहर आके और सब छात्रों की समस्या सुनी है, और मुझे विश्वास है कि चेयरमैन साहब जो सुन के गए हैं उस पर अमल करेंगे, खरा उतरेंगे और वही कार्य करेंगे जो छात्रों के सामने उन्होंने कमिट कराए। देखिए, तमाम युवा वो हैं जो जेईई भर्ती से जुड़े हुए हैं और इन्होंने आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की है, कुछ और अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश करें। आज बोर्ड अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई है, क्या आपको सकारात्मक आश्वासन मिला किसी को? बिल्कुल सख्त आश्वासन मिला है, सर ने बोला है कि हम आपकी जो बात रखी है उस पर अभी विचार करेंगे और साथ में कंबाइंड करवाने का ही हमारा प्रयास रहेगा, बेशक है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। कहाँ से चल के? मैं सर अपने नियर बाय अभी तो जयपुर से ही हूँ, लोकल अपने दौसा का हूँ, साथ वाला दोस्त जोधपुर से आया हुआ है अभी। देखिए, तमाम युवा प्रदेश भर के आज यहाँ जुड़े हैं। सर, आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात हुई, कोई आश्वासन मिला जेईई भर्ती? जी, आश्वासन मिला है और हमें विश्वास है कि आश्वासन में खरे उतरेंगे। अध्यक्ष साहब, मैं बीकानेर से आया हूँ और वो डिग्री की मांग थी कि कंबाइन वैकेंसी निकले ताकि मैक्सिमम बच्चों को फायदा हो, इस वजह से यहाँ हम सारे पूरे राजस्थान से लड़के इकट्ठे हुए थे मनोज भाई के कहने पे, और हमें आश्वासन मिला है चेयरमैन साहब से कि भर्ती कंबाइंड होगी और थोड़ा डिले हो सकता है एक दो महीने का, लेकिन हमें आश्वासन मिला है। आप कहाँ से चल गए? धौलपुर से। आज जो आपने बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की है उसको लेकर आश्वासन मिला कोई? हाँ, अध्यक्ष जी से आश्वासन मिला है और हमारी यही उम्मीद है, उनसे उम्मीद है कि वो एक साथ पेपर कराएंगे और जब एक साथ पेपर होगा तो जो एक बच्चा है वो दो पोस्ट पर वो नहीं होगा सिलेक्ट, जब एक कट ऑफ आएगी एक साथ होगा। इसके लिए उन्होंने बोला है कि हमें टाइम लग सकता है एक दो महीने, अगर वो टाइम लेते हैं तो उसमें हमें कोई वो नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाइम खींच जाए वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। देखिए, तमाम युवा वो जो है जेईई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से ये इस भर्ती की मांग कर रहे थे और अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करेगा, लेकिन उसी के चलते आज इन युवाओं ने इस भर्ती से संबंधित जो पीड़ाएं थी वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज के सामने रखी है और उन्होंने इनके सकारात्मक आश्वासन भी दिया है। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।